हैप्पी एनवायरनमेंट डे व्यूअर्स, आप सभी को एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो मेरा वीडियो है ये आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं लेके आया है और आप सबसे निवेदन है कि इस धरती को हम सुरक्षित बनाएं, इस धरती को हम साफ सुथरा बनाएं, इसे खूब सारे पेड़ पौधों से सजाएं और अपनी इस धरती की हर उस चीज को हम सुरक्षित रखें जो हमें प्रकृति ने दी है। और इसीलिए आज मैं अपने कुछ स्वजनों, अपने कुछ विद्यार्थियों के संदेश लेकर आई हूँ अपनी इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आज इस एनवायरमेंट डे के उपलक्ष्य में ना आपके लिए कोई कविता है, ना आपके लिए कोई क्रिएटिविटी है, आपके लिए सिर्फ संदेश जो हल्द्वानी से भी हैं, जो मुंबई से हैं, जो इंदौर से हैं, जो पिथौरागढ़ से हैं और जो हर जगह से हैं। और मैंने अपने कुछ स्वजनों, अपने परिजनों के संदेश आप सभी तक भेजे हुए हैं। और अगर आपको कोई भी प्लांट चाहिए, जिस तरह का अगर कोई हल्द्वानी में है, आपको करी पत्ता चाहिए, आपको एयर प्लांट चाहिए, आपको रबर प्लांट चाहिए, आपको ऑक्सीजन जो स्पाइडर प्लांट है, ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। ओके, आई विल गिव यू these plants, but please। मित्रों, विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। 5 जून, जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और शायद 2021 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह तो सारे विश्व को इस दिन की उपयोगिता, सार्थकता तथा प्रासंगिकता याद दिलवाने के लिए एक सर्वथा उपयुक्त दिन होगा। तथाकथित विकास की अंधी दौड़ में हम लोगों ने पर्यावरण के साथ जितना खिलवाड़ किया है उसी के प्रतिफल स्वरूप आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने सारे विश्व को सोचने पर विवश कर दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को संरक्षित करें तथा इस धरा को पुनः हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। एक बार पुनः हैप्पी एनवायरनमेंट डे टू वन एंड ऑल। थैंक यू। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम समस्त मानव समाज का यह दायित्व है कि हम इसके संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करें, क्योंकि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेंगी, क्योंकि यह मानव शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। क्षितिज पावा गगन शमीरा पंच तत्व यादम शरीरा। यदि हम अपने पंच तत्वों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमको अपने प्रकृति को का संवर्धन और संरक्षण करना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान शब्द भी पंच तत्वों से बना है, जिसका अर्थ है भूमि, भा गगन, वायु, ना नीर और अग्नि और जल। इसी प्रकार से यदि हम पृथ्वी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें भी पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। वो एक कोशिश ही है एक प्लांट की लगाने की। ये प्लांट जो है ये ऐसे वैसा प्लांट नहीं है, ये इंसुलेंस प्लांट कहते हैं इसको। ये जो मधुमेह की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, सुबह सुबह एक पत्ता इसको भूखे पेट से एक पत्ता खाने से इसका बहुत असर पड़ता है, हर जो भी इसको खाए उसको। तो ये इंसुलिन प्लांट इधर काफ़ी महंगा मिलता है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से इसकी देखभाल करके इसको बड़ा किया हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जिससे आदमी को फ़ायदा हो और पर्यावरण को भी फायदा हो। जैसे हम हमारे ये ज़्यादा बॉम्बे में ज़्यादा जगह तो होती नहीं है, जो हमारे पास ये ग्रिल में लगाया है उसी में मैंने तुलसी का भी झाड़ लगाया हुआ है। ये तुलसी का झाड़ है और ये इंसुलेंस प्लांट इसको बोलते हैं। ये वैसे मार्केट में लेने जाओ तो 500-600 का एक प्लांट आता है, लेकिन इसकी टहनियाँ भी लग जाती हैं, कोई लगाना चाहे इसकी छोटी छोटी टहनियाँ को इस बारिश के मौसम में अभी लगाना चाहे लगा के ये बहुत अच्छा बन सकता है। इसलिए हमने एक छोटी सी एक कोशिश की है कि क्योंकि जगह की कमी होने की वजह से
ये हमने प्लांट यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी मैं एक प्लांट के बारे में और आपको बताना चाहती हूँ। ये प्लांट भी मैंने, आप देख सकते हैं, गमले में लगाया हुआ है और हैंगिंग करके रखा है इसको। ये पेड़ इसको धनलक्ष्मी का पेड़ बोलते हैं। इसको लगाने से, इसको आप अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं। और इसका फायदा ये मान्यता है कि इसको लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और इसके वजह से इसको लगाया जाता है। और सबसे अच्छा तो सो प्लांट के तौर पे मैंने तो इसको लगाया हुआ है, लेकिन अब समझने वाले कुछ भी उसको समझ सकते हैं। और ये एक एलोवेरा का पेड़ है, और ये इसको बोलते हैं सदाबहार बोलते हैं। आगे भी एक उसको भी दिखा दी, वो सदाबहार है। और इसको मैंने छोटे छोटे प्लांटों में, छोटे छोटे गमलों में भी लगाया हुआ है, तुलसी, एलोवेरा और इसका घाट। हमारी ये एक छोटी सी कोशिश है। ऐसा तो हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे प्लांट हैं, लेकिन हमारे पास जगह की कमी की वजह से हम लोगों ने अब ये छोटी सी कोशिश की हुई है। प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत आकृति, ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत आकृति। खूब पेड़ पौधे लगाकर बनाए इसे जवान, खूब पेड़ पौधे लगाकर बनाए इसे जवान। सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस से ही नहीं चलेगा काम, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस से ही नहीं चलेगा काम। आओ मिलकर एक एक पेड़ लगाएं, आओ मिलकर एक एक पेड़ लगाएं, इस संपदा को और बढ़ाएं, इस संपदा को और बढ़ाएं। हरियाली होगी तो खुशहाली होगी, हरियाली होगी तो खुशहाली होगी, फिर शुद्ध हवा भी हमारी होगी, फिर शुद्ध हवा भी हमारी होगी। हैप्पी एनवायरनमेंट डे, खूब सारे पेड़ पौधे लगाकर अपनी धरती को और खूबसूरत बनाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अक्षत चंदोला MVM स्कूल हल्द्वानी की कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कोरोना नामक बीमारी ने महामारी का रूप लेकर हमें चारों ओर से घेर लिया है, जिसके कारण हम स्कूल नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते और बाहर नहीं जा सकते हैं। हम घर में ही कैद हैं और घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ हम अदर एक्टिविटीज भी सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम बच्चों को किसी के गाइडेंस की जरूरत है। इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा, मेरे विद्यालय से भी बहुत कुछ सीखा। मेरे विद्यालय की मिसेज भावना जोशी मैम, जो कि साइंस टीचर होने के साथ साथ एक अच्छी कवित्री भी हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव हैं। वो बहुत सारी वीडियोस बनाती हैं, मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी है। वो अपने वीडियोस में बताती हैं कि वो अपने वीडियोस में प्लांट्स के बेनिफिट और वेस्ट मटेरियल के यूज भी बताती हैं। आप भी जरूर देखिएगा, वो मेरा हौसला बढ़ाती हैं ताकि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकूं। मैंने अपना उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैंने अपनी कोरोना की तीसरी लहर के ऊपर एक कविता लिखी है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तीसरी लहर का साया है, घनघोर अंधेरा छाया है। तीसरी लहर का साया है, घनघोर अंधेरा छाया है। बच्चों का रखना है ख्याल, ये संदेशा आया है। बच्चों का रखना है ख्याल, ये संदेशा आया है। जल्दी उठकर कसरत कर तन को रखो चुस्त दुरुस्त,
जल्दी उठकर कसरत कर कर तन को रखो चुस्त दुरुस्त, सूरज की लो गर्मी थोड़ी बन जाओगे तंदुरुस्त। हरी सब्जियां फल और मेवे खाओ इनको बारंबार, हरी सब्जियां फल और मेवे खाओ इनको बारंबार, जो भी खाए इनको हरदम कभी न पड़े वो बीमार। नीम और तुलसी गुड़ की खान जानो इनके लाभ तमाम, नीम और तुलसी गुड़ की खान जानो इनके लाभ तमाम। सांसों का भी रखना ध्यान करो सवेरे प्राणायाम, सांसों का भी रखना ध्यान करो सवेरे प्राणायाम। लगे कहीं कुछ पीड़ा उसको घर में न करना उपचार, लगे कहीं कुछ पीड़ा उसको घर में न करना उपचार। डॉक्टर से लो नेक सलाह बस इतना तुम करना उपकार, डॉक्टर से लो नेक सलाह बस इतना तुम करना उपकार। माता पिता से यही गुहार सबका रखना तुमको ध्यान, माता पिता से यही गुहार सबका रखना तुमको ध्यान। नन्हे मुन्ने स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहे पूरा परिवार, नन्हे मुन्ने स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहे पूरा परिवार। धन्यवाद।